डिजिटल इंडिया के 6 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस योजना से जुड़े लाभुकों से मुखातिब हो रहे हैं। उनका क्या कहना है इस पर आपको सीधे लिए चलते हैं। लगभग 2 घंटे में 4,000-5,000 बोरी का भी ऑक्शन हो रहा है और इसकी जो गतिमानता है कि काटा भी फास्ट हो रहा है, पेमेंट भी तुरंत मिल रहा है और पारदर्शिता भी है। अभी कोविड-19 के समय देखा जाए तो पूरा ऑल इंडिया लॉकडाउन था, फिर भी हमारे किसानों को माल बेचने में कठिनाई नहीं आई उस टाइम भी, और पारदर्शिता भी उनको मिली। किसान भी वहां पे नहीं आया, खाली माल भेजा उन्होंने, जो भी रेट लेगा वो उसको मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उसको सीधा उसको रेट का पता चला। बायर को भी अच्छा माल मिल रहा था, उसको भी खरीदारी के लिए आसान गया। और लगभग जो कोविड-19 के समय हमने जो माल बेचा वो पूरे साल में भी वो रेट किसान को नहीं मिल पाया, इसलिए हमारे किसान भी इससे बहुत खुश है और ये इसका लाभ हमने अच्छी तरह से उठाया। हम चाहते हैं इसको बहुत अच्छी तरह से बढ़ावा मिले और किसानों को उससे लाभ मिले। प्रहलाद जी, इसके दरमियान आपको मंडी तो जाना नहीं पड़ता होगा? सर, इससे जो एफपीओ मॉडल कोविड-19 के समय लाया गया तो इससे हमें मंडी में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारी ही सूर्या फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का हमने जो ग्रुप बनाया तो उस प्लेटफॉर्म में खुद जो खरीदार है वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने वहां से ही टेंडर भरा, ऑनलाइन कुछ लोगों ने टेंडर भरा और उससे वो माल खरीदा, इसलिए ना हमारे किसानों को कहीं जाने की जरूरत पड़ी ना ही हमें कहीं जाना पड़ा और अच्छा रेट मिला। ये बहुत लाभकारी रहा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी घटा और कहीं माल के पास अटक के पड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहीं लॉकडाउन में पुलिस की भी दिक्कत कहीं भी नहीं आया। हमें प्रहलाद जी, आपको सुनकर के मुझे इतना अच्छा लगा और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, और आप पूरी तरह अनुभव की वाणी बता रहे थे। मुझे विश्वास है कि देश भर के किसान आपके मुंह से ये बात सुनेंगे तो उनका भी इनाम के प्रति, इस टेक्नोलॉजिकल व्यवस्था के प्रति बड़ा भरोसा बढ़ेगा। और इनाम को बनाया ही इसलिए है ताकि किसान अपने घर से पूरे देश की मंडियों के साथ सौदा कर सके, जहां उपज के ज्यादा दाम है वहां अपनी उपज बेच सके, किसान हो या व्यापारी। इससे लोग अब बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने अनुभवों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाइए और जो लाभ आपको मिला है वो देश के हर कोने में किसानों को मिले, इसकी चिंता आप जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आप जिस कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप पक्का लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ई संजीवनी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ऑनलाइन ओपीडी सेवा है सर। इसके लाभार्थी श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ श्रीमती कांति देवी जी और उनके डॉक्टर श्री भूपेंद्र सिंह जी अपने अनुभवों के बारे में हमें बताएंगे। श्री शुभम जी और उनकी दादी माँ ईस्ट चंपारण बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेपाल बॉर्डर के पास में है, और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शुभम जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी माता जी को प्रणाम। जी सर। शुभम जी, डिजिटल इंडिया का ये जो मैं आज विषय ले रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या फायदा हुआ, क्योंकि आप तो बिहार की सीमा पर, एकदम नेपाल की सीमा पर छोटे से गांव में बसे हैं। जी सर, इसके बहुत सारे फायदे हुए। एक तो सर ये हुआ कि हमें आने जाने के झंझट से मुक्ति हो गया, और दूसरा कि जो जाने आने में खर्च होते हैं वो खर्च भी हमारे बच गए, और सबसे बड़ा सर, सबसे महत्वपूर्ण, इस कोरोना काल में जो लोगों के संपर्क में आने से बच गए जिससे संक्रमण के चांसेस बहुत कम हुए। और इसके एक और फायदे ये है कि हमें जो भी उपचार के लिए हम डॉक्टर से उपचार कराते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो पर्ची हमें ऐप पे ही मिल जाती है। और एक फायदे और है सर इसके कि जो भी बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिन जो अवेलेबल नहीं होते हैं ऑफलाइन, तो उन्हें हम ऑनलाइन ई संजीवनी ऐप के माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं सर। नहीं तो आपने
किस योजना का सबसे ज्यादा इसमें लाभ लिया है डिजिटल इंडिया में? सर शुभम जी जी, ई संजीवनी तो एक टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म है। चंपारण के दूर सुदूर के इलाके में टेक्नोलॉजी से जुड़ी समस्या तो आपको भी आई होगी, आप इतने दूर छोटे से गांव में रहते हैं जी, तो आपको टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आते थे? सर अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर, यहाँ तक इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और हम गांव से ही एक्सेस कर पाते हैं सर, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही सर, पहले से काफी इंप्रूवमेंट हुआ इंटरनेट टेक्नोलॉजी से। आपको और आपकी दादी जी को जी ई संजीवनी का फायदा मिला, इसके लिए एक तो मेरी आपको शुभकामनाएं, और आप दादी माँ की इतनी सेवा कर रहे हैं और दादी माँ को इस कठिनाई में लखनऊ ले जाना पड़ता तो कितनी दिक्कत होती, लेकिन वही काम आपको वहीं से हो रहा है। और मुझे बताया गया कि जो डॉक्टर आपकी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं वो भी लखनऊ में है और लखनऊ में हमसे जुड़ रहे हैं, तो मैं डॉक्टर भूपेंद्र जी से बात करना चाहूंगा। डॉक्टर भूपेंद्र, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी साथियों को नेशनल डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोरोना के इस काल में आप सभी डॉक्टर्स ने मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है। ये बताइए कि ई संजीवनी जैसे टेलीमेडिसिन के जो इनिशिएटिव है उनको लेकर आपका अनुभव कैसा है? और ये शुभम तो बहुत खुश हैं क्योंकि एकदम नेपाल की बॉर्डर पे उनकी माताजी की आप सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। सर हमें भी बहुत इस बात की खुशी है, 1.5-2 साल पहले जब कोविड का दौर आया सर, तो हमें लगा कि शायद हम उन बुजुर्ग मरीजों की सेवा नहीं कर पाएंगे जो दूर दराज के इलाके में रहते हैं जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी नहीं है और वहां से हॉस्पिटल तक आने में उनको समस्याएं होंगी, लेकिन डिजिटल मीडिया के माध्यम से और इस संजीवनी के माध्यम से हम अपने ऐसे बुजुर्ग मरीजों को भी देख पा रहे हैं सर जो दूसरे प्रदेश में भी रहते, शुभम जी दूसरे प्रदेश में रहते हैं बिहार के रहने वाले हैं, और ऐसे ही लखनऊ से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के मरीज हमारे पास ऐसे डायरेक्टली नहीं आ पा रहे, उनको भी हम सर इस संजीवनी के माध्यम से देख पा रहे हैं। पहले ये लगता था सर कि फेस टू फेस अगर हम किसी मरीज से बात नहीं करेंगे तो शायद इतना अच्छा उनका इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन ई संजीवनी शायद मुझे लगता है उसका एक बेहतर अल्टरनेटिव है। जैसे अभी हम आपको देख पा रहे हैं, आपसे बात कर पा रहे हैं, आपकी भावनाओं को दिल से समझ पा रहे हैं, ऐसे ही हम बुजुर्ग मरीजों को भी बिल्कुल स्पष्ट देख पाते हैं, उनकी भावनाओं को समझ पाते हैं, उनके व्यवहार को देख पाते हैं, उनके घर वाले की भावनाओं को भी बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनका फिर इलाज करते हैं सर। ई संजीवनी में सर 2-3 बातें और बहुत अच्छी हैं जो हमें बहुत प्रभावित करती हैं। ई संजीवनी में सर पुराने रिकॉर्ड अपलोड करने का भी एक ऑप्शन है, तो जब कभी मरीज कहीं और दिखाया हुआ होता है और पहली बार हमारे साथ इंटरेक्ट करता है तो अपने पुराने रिकॉर्ड को उसमें अपलोड कर देता है, तो हम कंसल्टेशन के दौरान ही मरीज से बातचीत करने के दौरान ही उन रिकॉर्ड्स को रिव्यू कर लिया करते हैं, तो इससे हमें आसानी होती है मरीज को पुराने रिकॉर्ड को देखकर सलाह देने की। दूसरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर इसमें, जो मानसिक रोगी होते हैं सर, तो मानसिक रोगियों की जो दवाइयां होती हैं सर जनरली बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलती हैं, तो कई बार मरीजों की शिकायत होती है डॉक्टर साहब बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा नहीं मिल रही, दवा बंद हो गई, मरीज फिर से बीमार हो गया। इस संजीवनी में हमने देखा सर कि प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसानी से जनरेट हो जाता है और हमारे हजारों हजारों मरीजों की कंप्लेंट्स होती हैं कि प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, उनकी शिकायतें समाप्त हो गई सर, ये बहुत अच्छी बात है सर। देखिए कोरोना काल में देश ने ये सुनिश्चित किया है कि अस्पतालों में जब दूसरी बीमारियों का इलाज संभव नहीं था तो टेलीमेडिसिन को तेजी से अपनाया जा सके, लाखों लोगों ने इसका लाभ लिया है। जैसे जैसे जागरूकता आ रही है वैसे वैसे ये पॉपुलर हो रहा है और नई टेक्नोलॉजी के साथ ये सुविधा और भी बेहतर होने वाली है। मैं शुभम जी को, वो अपनी दादी माँ की सेवा कर रहे हैं इसलिए मुझे बड़ा आनंद हो रहा है उनको देख करके, और भूपेंद्र जी आप भी इतने मन से
दादी माँ की सेवा कर रहे हैं, इतने दूर से कर रहे हैं, और उसके लिए ये जो ई संजीवनी है ये अपने आप में एक वरदान साबित हुई है। मैं इसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। डिजी बुनाई सर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बुनकरों के काम कम समय में डिजाइन बनाने में और कंप्यूटर पर विभिन्न डिजाइनों एवं रंगों को एक साथ देखने में मदद करता है। डिजी बुनाई की लाभार्थी सुश्री अनुपमा दुबे, सुश्री यास्मीन बानो और सुश्री दीक्षा सिंह हमारे साथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से जुड़ रही हैं। अनुपमा जी नमस्ते। नमस्कार। हर हर महादेव। अरे सर, अच्छा मुझे बताया गया है कि आप पारंपरिक हस्तशिल्प को डीजी बुनाई के माध्यम से नए नए रंग रूप में बाजार में उपलब्ध कराती हैं, ये आप कैसे कर रही हैं इसके बारे में जरा देश सुनना चाहेगा आपके इस प्रयोग को। मेरा नाम अनुपमा दुबे है, मैं बनारस बनारस में बाबतपुर में रहने वाली हूँ। डीजी इंडिया के तहत डीजी बुनाई एक सॉफ्टवेयर चलाया गया है जिसकी ट्रेनिंग मैंने साइंस इंस्टीट्यूट से ली गई जो कि बसनी में है। आपने बताया कि आप बुटीक भी चलाती हैं। यस सर। और आपके साथ जो दूसरी बहनें जुड़ी होंगी वो डिजाइन हो होगी। हाँ सर, मैंने कुछ डिजाइन भी बनाया, आपको दिखाती हूँ। ये रहा डिजाइन। हाँ सर, ये पहले हम लोग क्रॉप करते हैं, क्रॉप पेपर निकालते हैं सर, इसका सॉफ्ट कॉपी निकाल के फिर इसका हम लोग डिजाइन करते हैं। सर कंप्यूटर द्वारा हम लोग को हार्ड करता है इसलिए हम लोग पहले इसको इस पेन से यूज करते हैं डिजाइन बना के, फिर इसका हम लोग सॉफ्ट कॉपी निकालते हैं। सॉफ्ट कॉपी निकालने के बाद हम लोग इसके कपड़े पर डिजाइन बनाते हैं, कपड़े पर डिजाइन बना के हम लोग फिर इसका डिजाइन करते हैं सर। ये जड़ी की डिजाइन हुई है। कितनी आमदनी होती है इसमें, कमाई कितनी होती है? सर 6 से 7 हजार रुपए हो जाती है। तो आपको संतोष है इस आपने जो ट्रेनिंग ली और टेक्नोलॉजी को अपनाया, आपको संतोष है? हाँ सर बहुत सर, मैंने काफी डिजाइन बनाए सर। एक ये रही माता रानी की मूर्ति सर, पहले इसका मैंने क्रॉप निकाला है। अच्छा। और सर मैंने बनारसी साड़ी पे भी डिजाइन किया है। अच्छा, ये आपने बनाया है? यस सर। कितने समय में बनाए? सर पहले जब इसको हम लोग हाथ से बनाते थे तो 3 से 4 दिन लगते थे, पर अभी जब डीजी बुनाई सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं तो इसको डिजाइन करने के लिए सर एक दिन में कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो आप सर टाइम डिजाइन पर खुद फिर आगे काम करते हो, डिजाइन बनाकर बेचती भी हो? सर सेलिंग भी करते हैं। अच्छा यस सर। चलिए अनुपमा जी और आपके सभी साथियों को इस पारंपरिक कला और कौशल को डिजिटल तकनीक कैसे बेहतर और लाभप्रद बना सकती है ये आप लोगों ने करके दिखाया है। आप जैसी नारी शक्ति देश की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत आपके सामर्थ्य और कौशल से ही बनेगा। और बनारस में तो हस्तकला संकुल भी आप जैसे उद्यमी बहनों के लिए बनाया गया है, उसका लाभ भी आप जरूर उठाते होंगे। चलिए मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। अब बारी है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम की, जिसके अंतर्गत पात्रता के आधार पर देश में कहीं भी राशन लेने की सुविधा मिलती है। इस स्कीम के लाभार्थी श्री हरिराम जी देहरादून उत्तराखंड से हमारे साथ बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में रह रहा हूँ और अपना यहाँ पर वन नेशन वन राशन कार्ड के योजना से मुझे यहाँ पर राशन कार्ड पे राशन उपलब्ध हो रहा है। आप मूल कहाँ से हैं हरिराम जी? सर मेरा राशन कार्ड यूपी हरदोई से बना है और मैं वहाँ पर भी राशन प्राप्त कर पा रहा हूँ और यहाँ पर भी मिल रहा है और इससे हमें काफी अच्छा लाभ हो रहा है।
दूसरा मैं यहाँ पर टैक्सी चलाता हूँ, तो यहाँ पर टैक्सी का भी मैं भीम के थ्रू पेमेंट लेता हूँ, तो इसमें भी मुझे कोरोना काल में काफी अच्छा मतलब लाभ हुआ है। इसमें फिजिकल टचिंग नोट वगैरह ये सब इससे भी मिला है। फास्ट टैग से भी हमें बहुत समय की बचत होती है हमारी, और हमारी सवारी को भी सहूलियत होती है कि हमें समय कम लगता है टोल पे। इसलिए मैं डिजिटल इंडिया भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरिराम जी, आप तो स्वयं भी वन नेशन वन राशन कार्ड का बराबर इस्तेमाल किया, कहाँ हरदोई और कहाँ देहरादून, और आप टैक्सी चलाते हैं, लेकिन इस व्यवस्था का आपने फायदा उठाया और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आप नहीं आई थी तब तो आपको परेशानी रहती होगी। जी सर, बिल्कुल शुरू शुरू में हुई थी, बाद में यहाँ से हमने संपर्क किया, यहाँ के जो लोकल अधिकारी उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया, फिर उन्होंने हमें नाम दिया कि इनसे आप राशन लीजिए, आपको बड़ी आसानी से राशन मिल जाएगा। मुझे मिल गया सर, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हमको गाइड। और ये भीम ऐप का उपयोग करते हैं आप, डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं, वो भी आपके जो क्लाइंट्स होते हैं कस्टमर होते हैं उनको सुविधाजनक रहता है? वो तो सर फर्स्ट टाइम जैसे आपने बोला था, शुरुआत किया था उसी दिन मैंने इंस्टॉल कर लिया था। अच्छा जी सर, तो हरिराम जी आप तो बिल्कुल टेक्नो से भी हैं, और वन नेशन वन राशन कार्ड उसके साथ साथ भीम ऐप, और पहले दिन से आप भीम ऐप का उपयोग करके इस काम को कर रहे हैं, आप सचमुच में टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा फायदा उठा रहे हैं ये ध्यान में आ रहा है। और आप जैसे देश के करोड़ों श्रमिकों के लिए ये योजना वन नेशन वन राशन कार्ड बहुत बड़ी सुविधा बन रहा है। अब ये संभव हो पाया है कि एक ही राशन कार्ड से शहर में काम कर रहे श्रमिक भी राशन ले पा रहे हैं, और उसी कोटे में से गांव में बाकी का परिवार भी राशन ले पा रहा है, और यही तो डिजिटल टेक्नोलॉजी का कमाल है। तो मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण ई स्टोर सेवा की तरफ, जिसके जरिए गांव के लोग अपनी जरूरत के कई तरह के सामान अपने आसपास के ई स्टोर से ही घर पर मंगवा सकते हैं। स्कीम के लाभार्थी श्री मेहरदत्त शर्मा जी धर्मपुर हिमाचल से अपने खेत से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहरदत्त जी नमस्कार। सर नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं मेहरदत्त जी? सर सर मेरा नाम मेहरदत्त, मैं ग्राम बसावल तहसील कसौली जिला सोलन हिमाचल प्रदेश का एक किसान हूँ। और आप किसान किस चीज की खेती करते हैं मेहरदत्त जी? किसकी खेती करते हैं, मशरूम की? राशन टमाटर शिमला मिर्च और हमारा अदरक हो गया सर, भिंडी वगैरह ये सारी अभी टमाटर खेत में खड़ा हो सर मैं। तो आपको डिजिटल इंडिया से कैसे लाभ मिला है? सर हमने डिजिटल इंडिया से, जैसे हमारे जो पंचायत में ग्रामीण ई स्टोर खुला, तो खासकर लॉकडाउन के टाइम में, तो उस टाइम हमें बाजार में बड़ी मुश्किल हो रही थी सामान लाने के लिए, जो हमें काफी महंगे इसमें मिलता था, तो हमें जैसे ही ग्रामीण ई स्टोर सीएससी ग्रामीण ई स्टोर का पता चला, तो उन्होंने हमें घर पे ही और उचित मूल्य पे और मतलब सही क्वालिटी का घर पहुंचे सारा सामान भेजा सर, जैसे कि गेहूं के लिए आपका कल चोकर इत्यादि और हमारा आटा बेसन वगैरह सारा कुछ। मैं और अच्छा लगा कि कॉमन सर्विस सेंटर से ई स्टोर जैसी सुविधाओं से पहाड़ी क्षेत्रों को मदद मिल रही है। आपके अलावा आपके गांव के दूसरे लोग भी इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर, हमारे जो पंचायत है हाँ जी मातला धर्मपुर के साथ, तो उसमें मैक्सिमम सारे लोग जुड़ चुके हैं सर, जो हमारे मतलब तो जैसे और जीपे के द्वारा हम ग्रामीण स्टोर के लिए जो पेमेंट कर देते हैं, हमें पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ती ऐसे नगद कैश। चलिए, इंटरनेट का लाभ उनको भी मिले जिनके पास मोबाइल फोन या कंप्यूटर नहीं है, इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर बनाए जा रहे हैं। बहुत ही कम समय में
देश भर में लाखों ऐसे सेंटर्स का नेटवर्क खड़ा किया गया है। ये सेंटर आज ग्रामीणों को सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ भी दिला रहे हैं और गांव के युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं।